दोस्तों, आप लोग जानते हो कि 10% यूट्यूबर क्यों कामयाब हो जाते हैं और 90% यूट्यूबर क्यों फेल हो जाते हैं अपने यूट्यूब की जर्नी में। मैं आपको आज एक ऐसी स्टोरी सुनाने वाला हूं और वो स्टोरी आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा टच करेगी, क्योंकि आप लोग भी यूट्यूबर बनना चाहते हो। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, क्योंकि मेरी वीडियो आप लोग देखते हो, इसीलिए देखते हो कि आपका यूट्यूब चैनल ग्रो हो पाए। पर YouTube चैनल ग्रो करने के लिए आपको कुछ बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है, और वो मैंने अपने 3 साल की जर्नी में बहुत कुछ ध्यान रखा है। और उस टाइम में कई यूट्यूबर फेल भी हुए हैं और कई यूट्यूबर कामयाब भी हुए हैं। वो क्या स्टोरी है, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है ये वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक ना किया हो, अभी के अभी इस वीडियो को लाइक करो। और आज का हम लाइक का टारगेट रखते हैं 750 लाइक का टारगेट, और मुझे आपसे विश्वास है कि आप जरूर इसे कंप्लीट करवा दोगे। यूट्यूबर की लाइफ में ना स्टार्टिंग से बहुत प्रॉब्लम आती है। सबसे पहले प्रॉब्लम आती है व्यूज़ की, कि जब यूट्यूबर बनता है कोई भी पर्सन, तो वो यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करते करते 3 महीने अपलोड करेगा, 4 महीने अपलोड करेगा, और जब उसके वीडियो पर व्यूज़ आना बंद हो जाएंगे या फिर उसके वीडियो पर व्यूज़ नहीं आ रही है, तो कहीं ना कहीं वो डीमोटिवेट हो जाता है और ये सोचता है कि मैं अब यूट्यूब पर काम नहीं करूँगा, क्योंकि यूट्यूब एक फालतू चीज़ है, फालतू काम है, टाइम वेस्ट है। और ये थिंकिंग बहुत लोगों के दिमाग में आती है, और इसी को सोचकर कई यूट्यूबर फेल हो गए हैं अपनी लाइफ में, और कई यूट्यूबर कामयाब भी हो चुके हैं। पता है क्यों? एक यूट्यूबर की लाइफ में एक ऐसा समय जरूर आता है जिस टाइम उस यूट्यूबर को अपने चैनल को बूस्ट करना होता है, और उसी टाइम पर खराब टाइम भी आता है, और वहाँ पर चैलेंजेस आते हैं कि आप यूट्यूब पर टिकना चाहते हो या फिर किसी की बातों में आकर अपना यूट्यूब चैनल को छोड़ देना चाहते हो, और दुनिया आपके कान भरती है। आपका फ्रेंड ही आपके कान भरेगा कि क्या फालतू काम कर रहा है, छोड़ दे, यूट्यूब पर कुछ नहीं रखा। और कई लोग मान भी जाते हैं कि सच में यूट्यूब पर कुछ नहीं रखा। जिनके चैनल पर 1-1 लाख सब्सक्राइबर हो जाते हैं ना, तब भी लोग डीमोटिवेट होकर अपने यूट्यूब चैनल को छोड़ देते हैं, क्विट कर देते हैं, ये सोचकर कि अब यूट्यूब पर मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है, मेरे वीडियो पर व्यूज़ नहीं आते, मैं अब कुछ करने वाला नहीं हूँ। किसके कारण? किसी ने आपको सिखा दिया, आपके कान भर दिए और आपको उसकी बातों पर विश्वास हो गया। और जबकि वो कोई भी हो, आपका फ्रेंड ही क्यों ना हो, वो अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर रहा है, और आपने उस बंदे की बात मान ली और उसकी बात मानकर आपने अपना यूट्यूब चैनल को छोड़ दिया। और 4 महीने के बाद, 5 महीने के बाद वही बंदा यूट्यूबर बन जाता है, बहुत बड़ा यूट्यूबर बन जाता है, और उसको देखकर आप वापस इस यूट्यूब पर वीडियो डालना स्टार्ट कर देते हो, और फिर आप अपने वीडियो में आकर ये बताते हो कि मेरे लाइफ में ये तकलीफ़ आ गई थी, मैंने इसीलिए छोड़ दिया था, मुझे टाइम नहीं मिल पाया था। दोस्तों, इसको मैं सीधी भाषा में बोलता हूँ, बहाना बनाना। क्योंकि आपने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है, तो फिर आप किसी और का नाम कैसे ले सकते हो, बहाने कैसे बना सकते हो? आपको किसी ने कहा था कि आप YouTube चैनल को छोड़ दो? किसी ने कहा था? किसी ने नहीं कहा था। आपको बस ऐसे इंसान ने कह दिया जो अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं था, और उसकी आपने बात मान ली, और वही इंसान आपसे 5 गुना ज़्यादा कामयाब हो चुका है। अब उसको देखकर तुम वापस यूट्यूब चैनल पर काम कर रहे हो और बोल रहे हो मुझे सपोर्ट करो, तो कुल्हाड़ी किसने मारी? अपने पैर पर खुद ही ने कुल्हाड़ी मारी ना। इसीलिए मैं कहता हूँ कि कभी भी किसी की बातों में आकर अपने यूट्यूब चैनल को छोड़ना नहीं है। जब बुस्टअप का टाइम होता है ना, तब आपको मेहनत करने की ज़रूरत होती है। मैं भी चाहता तो मैं भी अपने यूट्यूब चैनल को छोड़ सकता था, क्योंकि आप लोग जानते हो 4000 घंटे कंप्लीट करने में नानी याद आ जाती है, और जब कंप्लीट नहीं होते तो इंसान डीमोटिवेट होकर चैनल छोड़ देता है। और मैंने 4000 घंटे कंप्लीट किए हैं, 2-2, 3-3 चैनल पर किए। मेरा भी एक ऐसा टाइम था कि मैं छोड़ दूं, क्योंकि 4000 घंटे कंप्लीट होने के बाद, चैनल मोनेटाइज होने के बाद, चैनल अगर डिसेबल्ड हो रही है और जीरो से फिर से स्टार्ट करना पड़ रहा है, तो सोचो कितनी मेहनत करनी पड़ती है 4000 घंटे कंप्लीट करने में। मैं इस चैनल की कोई बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपने पास्ट की बात बता रहा हूं, ये चैनल को साइड में रखो। अगर मेरे पिछले 3 चैनल बंद नहीं हुए होते तो आज मैं आपके सामने नहीं बैठा हुआ होता, क्योंकि मुझे अपने ऊपर विश्वास था
कि नहीं मैं कुछ करूंगा और मुझे यूट्यूबर बनना है, क्योंकि मैंने जितने भी यूट्यूबर को फॉलो किया है उनकी लाइफ में बस एक ही पॉइंट था कि अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए और पेशेंस होना चाहिए। हर एक कामयाब इंसान को तकलीफ आती है, चैलेंजेस सामने करने पड़ते हैं और वो अपनी लाइफ में कितनी बार भी फेल होता है लेकिन कोशिश करने वाला ही कामयाब बन पाता है। जो कोशिश नहीं करता वो कभी कामयाब नहीं बनता। मेरे 3 चैनल बंद हुए, मैं भी सोचता बंद कर देता हूँ, कुछ काम कर लूँगा, लेकिन मेरे दिमाग में एक हिंट आ गई थी, अगर मैंने YouTube को छोड़ दिया तो ना यहाँ का रहूँगा और ना यहाँ का रहूँगा, इससे अच्छा है पेशेंस रखता हूँ, काम करता हूँ। मुझे भी तकलीफ आई है, आज भी तकलीफ आती है, मैं भी डीमोटिवेट होता हूँ, मैं भी इंसान हूँ, कोई पत्थर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी विश्वास के साथ मैं काम कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, ये सोचकर काम नहीं कर रहा हूं कि मेरे चैनल पर व्यूज नहीं आ रहे, मैं ये सोचकर काम कर रहा हूं आज नहीं तो कल जरूर आएगा, अपना दिन भी एक दिन आएगा, क्योंकि मेहनत करने के बाद ही दिन आते हैं, बैठे बैठे सोचने से, यूट्यूब को छोड़ने से कभी दिन नहीं आता है। और जो इंसान बाद में आकर बोलता है कि मेरी चैनल ग्रो नहीं हो रही है, मेरे साथ ये हो गया था, वो एक बहाना होता है। अगर YouTube पर कामयाब होना है, एक सच्चा यूट्यूबर और एक अच्छा यूट्यूबर बनना है, तो आपको पेशेंस रखना होगा और अपने ऊपर विश्वास रखना होगा और दूसरों की बातों में कभी आकर अपने YouTube चैनल को क्विट मत करना। अगर कर दोगे तो आपने अपने हाथ से अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है, फिर आप कभी भी ग्रो नहीं हो पाओगे, क्योंकि यूट्यूबर की एक रियलिटी है कि जब तुम यूट्यूबर YouTube पर काम करने के बाद छोड़ देते हो ना, 7-8 महीने के बाद तुम YouTube पर आओगे ना, तो तुमको मन नहीं लगेगा YouTube पर काम करने का, वीडियो डालने का भी मन नहीं लगेगा अगर छोड़ दिया तो। और अगर आप कंटिन्यू काम करते रहोगे ना, तो आपकी एक हैबिट बन जाएगी रोज काम करने की। अगर एक दिन वीडियो अपलोड नहीं करोगे तो आपके अंदर से आत्मा बोलेगी कि आज तूने वीडियो क्यों नहीं बनाया। और जब आपने YouTube चैनल को छोड़ दिया और 7 महीने के बाद YouTube पर आओगे ना, तो ना आपको कोई सपोर्ट करेगा, और पहली बात कि आपको खुद वीडियो बनाने का मन नहीं होगा। ये एक यूट्यूबर की लाइफ की रियलिटी है, मैं जो आपको कह रहा हूँ इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे लाइफ में ये सब कुछ हो चुका है। मेरे साथ भी कई सारे यूट्यूबर आए थे बड़े बड़े सपने देखकर कि झंडे गाड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन आज मेरे साथ कोई भी नहीं है। जितने मेरे साथ खड़े हुए थे आज सब लोग बैठ चुके हैं, खाली तुम्हारा भाई अजय राज प्रजापति तुम्हारे सामने बैठा है और तुमको इस वीडियो से मोटिवेट कर रहा है कि जिंदगी में कभी भी यूट्यूबर बनने की सोची है तो लॉन्ग टाइम तक काम करना पड़ेगा, पेशेंस रखना होगा, 1 साल तक कंटिन्यू काम करो, 1 साल तक काम करो, 1 साल के बाद तुमको रिजल्ट मिलना शुरू होगा, स्टार्टिंग से तुमको कुछ भी नहीं मिलने वाला है, समझ गए, कुछ भी नहीं मिलेगा, पेशेंस रखना है। दूसरों की बातों में नहीं आ रहा है, वो कुछ भी बोल रहा है बोलने दो, तेल लेने जाए दुनिया, तुम्हारा करियर है, तुमको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, बस और कुछ भी मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, अगर कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करो और 750 लाइक का टारगेट कंप्लीट करवाओ और इस वीडियो को सब यूट्यूबर को शेयर करो, जिससे सबको पता चल पाए कि यूट्यूब पर क्या है और क्या नहीं है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।